एक तरफ दुनिया की हर एक कंपनी इलेक्ट्रिक कार्स पर जोरों शोरों से इन्वेस्ट कर रही है और वहीं दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिल रहा है कि जापानीज कंपनीज ईवीज के अंदर कुछ खासा इंटरेस्ट दिखाई नहीं रही हैं, क्योंकि अभी तक भी हमें जापान की मेनस्ट्रीम ऑटोमेकर्स की तरफ से कोई भी मेजर ग्लोबल इलेक्ट्रिक कार देखने को नहीं मिली है एक्सेप्ट दिस वन। और अगर मैं खासकर बात करूं टोयोटा की, तो उनकी बहुत ही लेट और रिसेंटली एक फुली इलेक्ट्रिक कार आई है, लेकिन इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है और ये सेल्स में भी बहुत ज़्यादा खराब परफॉर्म कर रही है। टोयोटा दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तब भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि वो इस ईवी वाली रेस में बहुत ज़्यादा पीछे हैं और सुस्त भी दिखाई देते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो ईवीज नहीं बना सकते हैं, बल्कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके हिसाब से फ्यूचर ईवीज को बिलोंग नहीं करता है पूरी तरीके से। क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और आपको अब तक पता होगा कि ईवीज की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा कार्बन इमिशंस होते हैं एक आईसी इंजन वाली गाड़ी के मुकाबले, और इनकी बैटरीज को बनाने के लिए जिन रिसोर्सेज की माइनिंग की जा रही है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और इसीलिए टोयोटा का मानना यह है कि फ्यूचर में हाइड्रोजन फ्यूल एक गेम चेंजर की तरह साबित हो सकता है, और इसीलिए उन्होंने हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर बेस्ड गाड़ी भी निकाली थी, इसका नाम था मिराई। लेकिन अपने कई अटेम्प्ट्स के बाद भी वो उस गाड़ी को मार्केट के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं दिला पाए, और उसके बारे में हम वीडियो के अंदर बात आगे करेंगे कि ऐसे क्यों हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी टोयोटा ने हाइड्रोजन का पीछा नहीं छोड़ा, और अब जो उन्होंने तैयार किया है वो काफी ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग साबित होने वाला है। दरअसल टोयोटा ने हाइड्रोजन कंबशन इंजन के प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है, जो कि ऑलमोस्ट एक आईसी इंजन की तरह ही काम करता है और उसके जैसा ही साउंड भी करता है, और इसमें कोई भी कार्बन एमिशंस नहीं होते हैं क्योंकि ये इंजन मोस्टली वाटर वेपर ही एमिट करता है एमिशन के तौर पर। खैर, डायरेक्ट एमिशंस तो टोयोटा की एफसीवी यानी कि मिराई में भी नहीं होते थे, लेकिन ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि टोयोटा के अलावा 2-3 बड़े ऑटोमेकर्स ही इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन हाइड्रोजन कंबशन इंजन के साथ चीजें काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि टोयोटा अकेली नहीं है जो कि इस टेक्नोलॉजी पर भरोसा कर रही है, बल्कि इस बार कमिंस, फोर्ड, जेसीबी और अशोक लेलैंड जैसे मैन्युफैक्चरर भी इस टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसीलिए हम इस वीडियो के अंदर ये समझेंगे कि आखिर ये हाइड्रोजन कंबशन इंजन है क्या, क्या ये सच्ची में प्रैक्टिकली यूज हो सकता है और बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रिप्लेस कर सकता है, और साथ ही साथ हम इसके अंदर ये भी जानेंगे कि आखिर हैवी मशीनरी बनाने वाली कंपनीज इसके अंदर इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है। लेकिन उससे पहले थोड़ी हिस्ट्री पर नजर डाल लेते हैं। हाइड्रोजन इंजन की कहानी शुरू होती है आज से लगभग 217 साल पहले यानी 1806 में, जब पहली बार हाइड्रोजन कंबशन इंजन बनाया गया था, जिसके बाद कुछ और ट्राइज किए गए इस टाइप के इंजन से गाड़ियां चलाने के लिए, लेकिन वो कभी भी ज्यादा प्रैक्टिकल साबित नहीं हुए। लेकिन प्रैक्टिकली पहली बार इसका यूज किया गया 1966 में जनरल मोटर्स द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रो वैन में, जो कि हाइड्रोजन पर चलती थी। लेकिन ये कोई हाइड्रोजन कंबशन इंजन नहीं था, बल्कि ये था हाइड्रोजन फ्यूल सेल इंजन। दरअसल इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी वो अपोलो स्पेसक्राफ्ट से इंस्पायर्ड थी। इसमें लिक्विड हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ फ्यूल सेल के अंदर मिक्स करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती थी, और उस इलेक्ट्रिसिटी को बैटरीज में भेजा जाता था, जिनसे कि मोटर को प्रोपेल किया जाता था और उन मोटर से गाड़ी चलती थी। और ये गाड़ी वन टैंक ऑफ हाइड्रोजन में लगभग 240 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती थी। अब ये सब सुन के ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी, और हाँ ये थी भी बिल्कुल, पर इसके कई सारे ड्रॉबैक्स भी थे, जैसे कि इस कार में बिल्कुल भी पैसेंजर्स के लिए जगह नहीं थी ड्यू टू सो मैनी मशीनरी, और ये गाड़ी प्रोड्यूस करने के लिए भी बहुत ज़्यादा महंगी थी बिकॉज ऑफ फ्यूल सेल, बैटरीज, हाई प्रेशर सिलेंडर टैंक्स एंड वॉट नॉट, और इसी कारण से GM भी इससे पीछे हट गई। लेकिन टोयोटा ने इसमें एंट्री मारने की हिम्मत दिखाई विद देयर मिराई। लेकिन टोयोटा ने जो किया उसके आइडियल सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स को ढंग से एनालाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। लेकिन सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही नहीं, आप हमेशा नोटिस करेंगे कि जो कंपनी अपने मार्केट के लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई करके, उनके रूट कॉजेस को एनालाइज करके अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिजाइन करती हैं, उन्हें हमेशा ही अच्छा सक्सेस रेट मिलता है। और यहाँ पर मैं एक मिनट के लिए हेयर लॉस इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लेना चाहूंगा और आपको त्राया के बारे में बताना चाहूंगा। जो हेयर लॉस हमें 40s या 50s के बाद देखने को मिलता था, वो आजकल 20s के एज ग्रुप वाले मेल्स में भी देखने को मिल रहा है, और हो सकता है इससे आप में से बहुत सारे लोग गुजर भी रहे होंगे। लेकिन इस अर्ली हेयर लॉस को एनालाइज किए बिना ही या उसके कारण को समझे बिना ही कंपनी शैम्पू या ऑयल जैसे प्रोडक्ट बेचने लग जाती हैं, और इसीलिए ये समस्या तो ठीक ही नहीं हो रही। लेकिन त्राया ने कुछ अलग किया है, ये आपके हेयर लॉस को एनालाइज करके उसके इंटरनल रीजंस को जानते हैं, जैसे स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, डाइट, हॉर्मोन्स, जीन्स या जो भी हो, और फिर इसके हिसाब से इनकी टीम आपके हेयर लॉस को एनालाइज करने के बाद एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान देती है, मतलब सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देती है। और इसी की वजह से इन्होंने 5 महीने में ही हेयर फॉल केसेस में 93% सक्सेस रेट हासिल कर लिया है। और अगर आपको भी हेयर फॉल है तो आप भी त्राया का ये प्लान ले सकते हैं सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में। त्राया.health पर जाकर फ्री हेयर टेस्ट लीजिए, अपना 1 मंथ का कस्टमाइज्ड हेल्थ किट लीजिए, एंड दिए गए डाइट प्लान एंड हेयर कोच की मदद से 5 महीने के अंदर रिजल्ट देखिए।
और यूज करिए मेरा कूपन कोड BuyTurbo20 और 20% डिस्काउंट पाइए। और जल्दी करिए क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 5 दिनों के लिए ही वैलिड है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जाकर अभी चेकआउट करिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टोयोटा ने अपने हार्डवर्क के दम पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और 2014 में अपनी पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार यानी कि टोयोटा मिराई को लॉन्च कर दिया। हाइड्रोजन फ्यूल सेल और हाइड्रोजन कम्बशन इंजन दोनों ही टेक्नोलॉजी के अंदर हाइड्रोजन को ही एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, लेकिन इन्हें यूज करने का मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर हम फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम इसे टोयोटा मिराई के एग्जांपल से समझ सकते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोजन टैंक के अंदर भरी हुई हाइड्रोजन गैस को और ग्रिल से अंदर आने वाली एयर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन को फ्यूल सेल स्टैक में भेजा जाता है, जहां पर इनके रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और यही इलेक्ट्रिसिटी मोटर्स को पावर देती है और अल्टीमेटली वो मोटर गाड़ी को चलाती है। वहीं दूसरी तरफ हाइड्रोजन कम्बशन इंजन टेक्नोलॉजी के अंदर देखें तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन टैंक के अंदर हाइड्रोजन भरी होती है वो सीधा इंजन के अंदर लेकर जाई जाती है, जहां पर इसके अंदर एक नॉर्मल पेट्रोल या डीजल इंजन की तरह कम्बशन होता है। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर टोयोटा ने पहले ही फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी व्हीकल्स को डेवलप कर लिया था तो उन्हें हाइड्रोजन कम्बशन इंजन डेवलप करने की जरूरत क्या पड़ी। दरअसल टोयोटा ने मिराई के अंदर बहुत सारे अपग्रेडेशन किए और दुनिया को ये बताया कि एक शानदार फ्यूल सेल व्हीकल होता कैसा है, बट इसके बावजूद भी टोयोटा इसकी दो बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाई, जिसमें पहली थी इसकी एफिशिएंसी। माना यह जाता है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल से 3 गुना कम एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से हाइड्रोजन बनाते हैं तो उसके अंदर बिजली लगती है, फिर वो हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट करी जाती है, देन FCV के अंदर भरी जाती है, देन उस हाइड्रोजन से फिर से बिजली बनाई जाती है और वो बिजली मोटर को चलाती है जो कि गाड़ी को चलाती है। वहीं अगर हम EVs के मामले में देखें तो वो डायरेक्टली बिजली से मोटर चलती है जो कि गाड़ी को चलाती है। और जो फ्यूल सेल व्हीकल की दूसरी कमी है वो है इनका प्राइस। जो टोयोटा की मिराई है ये फॉरेन मार्केट के अंदर 60 लाख रुपए की पड़ती है और स्कोडा की सुपर्ब इंडिया के अंदर 34 से 37 लाख के बीच में पड़ती है, जबकि यहाँ पर हायर टैक्सेस लगते हैं। और इसके अंदर हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो मिराई है वो कोई ज्यादा बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं देती है सुपर्ब के मुकाबले, और साथ ही साथ माइलेज के मामले में भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और इसी वजह से थोड़ा सा एक इम्प्रैक्टिकल सा ऑप्शन बन जाता है। और इन्हीं दो रीजंस की वजह से टोयोटा को फिर से ड्राइंग बोर्ड पर जाना पड़ा और उन्होंने दूसरी हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पर काम करना चालू किया, जिसके चलते ये दोनों ही कमियां दूर करी जा सके। और यहीं से आया हाइड्रोजन कम्बशन इंजन, जो कि एक बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी थी इन कंपैरिजन टू FCV, क्योंकि ये वही पेट्रोल डीजल इंजन वाली गाड़ियों की तरह चलता है जैसे मैंने आपको पहले बताया। लेकिन फिर से यहां पर एक सवाल उठता है कि अगर टोयोटा एक आसान टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते थे तो उन्होंने इसको छोड़कर एक फ्यूल सेल जैसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी में इतना दिमाग क्यों खपाया और इतना पैसा क्यों लगाया। इसका सबसे बड़ा कारण था सेफ्टी। हाइड्रोजन एक बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेबल गैस होती है और जब ये जलती है ना तो बहुत ही खतरनाक धमाका होता है। कितना खतरनाक, इसका एग्जांपल आपने ऑलरेडी 1937 में देखा होगा जब हिंडनबर्ग नाम के एक एयरशिप में आग लग गई थी और उसकी वजह से 36 लोग मर गए थे। इसके अलावा जनरल मोटर्स की जिस इलेक्ट्रोवैन के बारे में हमने बात करी थी उसके साथ भी एक ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ था टेस्टिंग के टाइम। दरअसल हुआ ये था कि एक बार उस कार को टेस्ट करते टाइम उस गाड़ी का प्रेशर 8000 PSI तक पहुंच गया, जिसकी वजह से उस गाड़ी में ब्लास्ट हो गया और वो ब्लास्ट इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उसके चिथड़े आधा किलोमीटर दूर तक जाकर गिरे। अब इसी के चलते सबके मन में हाइड्रोजन को लेकर एक खौफ पैदा हो गया और तब से लोगों को ये लगने लगा कि हाइड्रोजन को कम्बशन इंजन में यूज़ करना अपने आप में ही एक चलते फिरते बॉम्ब में बैठने के बराबर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एज नेम सजेस्ट इसके अंदर हाइड्रोजन का कम्बशन होता है। इसीलिए सबने हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से थोड़ी दूरी बनाकर रखी। बट ऑब्वियसली जब FCV टेक्नोलॉजी फेल हुई तो टोयोटा के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था इस इंजन के ऊपर काम करने के बजाय, और इसीलिए उन्होंने इस इंजन को सेफली और सक्सेसफुली चलाने के लिए कई सारे सेफ्टी मेजर्स लिए। और इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले टोयोटा ने अपने हाइड्रोजन टैंक के ऊपर काम किया। टोयोटा ने मिराई में कार्बन फाइबर रैप्ड पॉलीमर लाइन फ्यूल टैंक का इस्तेमाल किया था और ये मटेरियल एक स्टील से 5 गुना ज़्यादा मजबूत होता है। और यही कारण है कि जहाँ इलेक्ट्रोवैन 8000 PSI पर ब्लास्ट हो गई थी वहीं पर मिराई आराम से 10000 PSI तक का प्रेशर झेल सकती है। और टोयोटा ने सेम यही मिराई वाला सिलेंडर अपनी हाइड्रोजन कम्बशन इंजन वाली गाड़ियों के अंदर भी यूज़ किया है। इसके अलावा सेफ ऑपरेशंस के लिए हार्डन वाल्व्स एंड वाल्व सीट और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिंग रॉड्स का इस्तेमाल किया गया है और फ्यूल इंजेक्टर को गैस के हिसाब से डिजाइन किया गया है इंस्टेड ऑफ लिक्विड। और इन्हीं सब मॉडिफिकेशंस के चलते दिसंबर 2022 में टोयोटा ने 1.6 लीटर के 3 सिलेंडर हाइड्रोजन कम्बशन इंजन को डेवलप कर लिया, जिसको उन्होंने मॉडिफाइड करोला GR स्पोर्ट और GR यारिस के अंदर लगाया और इसके अंदर कंप्रेस्ड हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा जो बहुत बड़ी चीज है जो टोयोटा कर रही है वो ये है कि टोयोटा यामाहा के साथ मिलकर एक 5 लीटर का V8 इंजन भी बना रही है जो कि 455 हॉर्स पावर तक प्रोड्यूस करेगा और 567 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल कर देगा। और बताया ये जा रहा है कि ये इंजन लेक्सस RC कूपे के गैसोलीन इंजन के सिलेंडर हेड्स में और फ्यूल इंजेक्टर्स के अंदर मॉडिफिकेशन करके बनाया जा रहा है। यानी कि अगर ये सक्सेसफुल होता है तो दुनिया में से एक्सीडेंट होते V8s मार्केट में फिर से मिलने लगेंगे, वो भी पहले जैसे प्राइसेस पर। अब यहाँ पर जो इससे भी बड़ी बात है ना वो ये है कि अनलाइक फ्यूल सेल व्हीकल्स,
टोयोटा इस बार अकेली नहीं है जो हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है इस कंबशन वाली पर, बल्कि फोर्ड, कमिंस, अशोक लेलैंड और जेसीबी जैसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स भी इसके ऊपर लगे पड़े हैं, क्योंकि इन सब कंपनीज का मानना यह है कि ये इंजन डीजल इंजन को अच्छी तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन कंबशन इंजन हैवी लोड्स के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं और एफिशिएंट साबित होते हैं। इसीलिए ट्रक्स, बुलडोजर्स, माइनिंग्स और हैवी मटेरियल्स के अंदर इन इंजन को इस्तेमाल करने के लिए काफी ज्यादा R&D पर पैसा खर्च किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सारी बातें अच्छी ही नहीं है, यहाँ पर कुछ कंसर्निंग बातें भी हैं, और वो ये है कि इतने सारे डेवलपमेंट्स होने के बाद भी हाइड्रोजन कंबशन इंजन को एक नॉनसेंस आइडिया बताया जा रहा है कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा, और इसके कुछ कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है हाइड्रोजन की स्टोरेज। हाइड्रोजन की वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी बहुत कम होती है, और इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमें हाइड्रोजन को पेट्रोल और डीजल की तरह एक फ्यूल टैंक के अंदर स्टोर करना है तो हमें एक ट्रक जितना स्पेस चाहिए होगा एक कार को चलाने के लिए। इसीलिए हाइड्रोजन को हायर प्रेशर पर स्टोर किया जाता है टोयोटा मिराई जैसी गाड़ियों के अंदर, जिसके अंदर 10,000 PSI तक का प्रेशर होता है। नाउ इवन दो टोयोटा ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि अगर एक्सीडेंट होता है इन गाड़ियों का तो इन सिलेंडर्स के अंदर क्या धमाका होगा और वो कितना खतरनाक हो सकता है, इस बारे में अभी हमें नहीं पता। दूसरी प्रॉब्लम भी सेफ्टी से ही जुड़ी हुई है। हाइड्रोजन का मॉलिकुलर स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से ये आसानी से एस्केप कर सकती है, और क्योंकि हाइड्रोजन के कंबशन में पेट्रोल के मुकाबले बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, गाड़ी के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंटरनल पार्ट्स के अंदर काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से फिर अगेन ये लीक हो सकती है और वहां पर धमाके हो सकते हैं। इसके अलावा इन गाड़ियों के लिए नॉन कम्बस्टेबल ल्यूब्रिकेंट्स को डेवलप करने की भी जरूरत है, क्योंकि जब ल्यूब्रिकेंट्स बर्न होते हैं तो उनके अंदर से हाइड्रोकार्बन बेस्ड पॉल्यूशन निकलता है, और क्योंकि हाइड्रोजन के कम्बशन में ज्यादा हीट निकलती है तो ये ज्यादा जलेंगे और इनकी वजह से पॉल्यूशन होगा, इवन दो हाइड्रोजन की गाड़ियां खुद से कोई खास पॉल्यूशन नहीं करने वाली है। अब ये तो रही कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई दिक्कतें, जिन पर मेरा मानना यह है कि कंपनीज जीत हासिल कर लेंगी, और टोयोटा ने तो काफी सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व कर दी हैं, लेकिन जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो जुड़ी हुई है हाइड्रोजन के इंफ्रास्ट्रक्चर से, जो कि नॉन एग्जिस्टेंट है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और एक्सपेंसिव अफेयर है। और तीसरी और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि आज भी 95% हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन के फॉर्म में पाई जाती है, यानी कि इस हाइड्रोजन को बनाने के लिए नेचुरल गैस को बर्न किया जाता है, यानी कि कार्बन एमिशंस हो रहे हैं अभी भी। और मेरा मानना यह है कि जब तक इन चीज़ों पर काम नहीं किया जाएगा तब तक हाइड्रोजन बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन पर कामयाबी पा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने विचार जरूर छोड़िए। थैंक यू।